नमस्कार, हरियाणा 24 न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गांव के अंदर, और जो लोकसभा है वो है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र लोकसभा में देखें तो आज मौसम भी सुहाना हो चुका है, और उसी प्रकार से अब चुनाव का मौसम भी गर्माने लगा है। और देखा जाए तो अभी जितने भी प्रत्याशी है सभी के सभी गाँव गाँव जा रहे हैं, और गाँव गाँव जा करके अपनी योजनाएँ गिनवा रहे हैं और अपने अपने पासे फेंकने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जनता से हम नशे उनकी टटोलेंगे कि अब की बार वो सांसद किसको बनाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो बीजेपी से यहां पर नवीन जिंदल है, और अगर गठबंधन से बात कीजिए तो सुशील गुप्ता है, और अगर यहां पर बात कीजिए तो अभय चौटाला भी कहीं ना कहीं दाव खेलने वाले हैं। तो अब की बार देखते हैं कि किसको बनाने वाले हैं। और देखिएगा, हुक्का चल चुका है हरियाणा का, और हुक्का चलने के साथ साथ भी अब चुनाव का माहौल देखते हैं। जी भाई जी, क्या नाम? मेरा नाम हरपाल सिंह है जी। हरपाल जी, कैसे देख रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा है, किस तरह से देख रहे हैं अब की बार? देखिए, अभी जैसे हमारा मैच कभी इंडिया का अगर पाकिस्तान के साथ होता है ना, और बड़ा चाव होता है, और जब मैच बीच में चल रहा होता है तो गली में चलते चलते पूछते हैं और कौन जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। भाई साहब, इंडिया जीत रहा है, अरे मोदी से टक्कर है, सीधी मोदी सरकार से टक्कर है, और अब की बार इंडिया जीत रहा है, इंडिया, और इंडिया ही चुनाव लड़ रहा है, तो इंडिया जीत रहा है। वो तो कह रहे हैं इंडिया का नाम भी बदल दिया, भारत कर देगा, आप इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडी गठबंधन बोल रहे हैं उसको? नहीं जी, देखिए मोदी तो बोले कुछ, लेकिन इंडिया है, इन्होंने इंडिया के शब्द भी जो INDIA है उसके, मैं इंग्लिश में नहीं जानता, उसके भी बनाए हुआ उन्होंने, वो क्या चीज़ है, लेकिन अब की बार इंडिया चुनाव लड़ रहा है। आप अब की बार अगर मैं ये कहूँ कि पार्टियाँ चुनाव नहीं लड़ रही, अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, अब की बार लोग खुद का चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीजेपी, इस तानाशाह से, इस मोदी से, अमित शाह, इससे छुटकारा चाह रहे हैं, इस हिटलर शाही से छुटकारा चाह रहे हैं सभी, और वही चाव है कि अब की बार इंडिया जीत रहा है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, नवीन जिंदल पर इतना बड़ा दांव लगाया आपके कुरुक्षेत्र लोकसभा पर, आप नवीन जिंदल इतने बड़े नेता हैं और काफ़ी पकड़ है उनकी? हाँ, बहुत बड़ा नेता है भाई, इतना कोला खा गया, बहुत बड़ा नेता है, वाकई बहुत बड़ा नेता है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा लाला है, और कोला खा गया, और जैसे ही मशीन में आया मोदी जी की, एकदम साफ निकल के आ गया, बिल्कुल बिल्कुल साफ, पाक साफ हो गया, वही वही जिसने टिकट दिया है वही कहता है कि कोला कोला चोर है, कोले का घोटाला है, और खुद टिकट 20 मिनट में, आधे घंटे में टिकट दे के कहता है कि ये तो साफ हो गया जी। ये मतलब ऐसी कौन सी मशीन ले रहे हैं, ऐसी तो वॉशिंग मशीन हमने आज तक नहीं देखी भी, जिसमें एक तरफ से डालो और साफ पाक साफ। कितनी कुरुक्षेत्र लोकसभा पर इतना बड़ा जो नायब सैनी थे उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो आप उनसे नाराज हो गए अभी? देखो जी, नायब सैनी या उससे पहला एक और सैनी था, राजकुमार सैनी, किसी ने भी कोई सुध नहीं ली किसी भी छत्ती बरादरी की, किसी किसान वर्ग की, किसी मजदूर की, आज तक कोई सुध नहीं लिया उन्होंने, कभी आए भी नहीं, एक लहर में बन गए थे वो, हम सब आवेश में आ गए थे कि जब जैसे 14 में बड़े बड़े जुमले थे, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि 5 साल में हमारे बहुत काम रह रहे हैं, तो फिर लोगों ने उनको बना दिया, लेकिन अब बिल्कुल देख चुका है, पूरा भारतवर्ष देख चुका है, पूरा देश देख चुका है कि अब इनके जुमले में नहीं आएंगे, क्योंकि सबको घाटा है, सबकी जेब कट रही है, जिस पे 10 रुपये थे अब बिल्कुल और उधार लेके काम चला रहा है, अब नहीं रहा। गठबंधन के सिर पे एक और इनेलो भी तो बैठी हुई है, जो गठबंधन के कहीं ना कहीं वोटों को तोड़ेगी बीजेपी की, उनको भी तो देख रहे हैं कहीं? देखिए, पार्टियाँ तो सारी हैं, इनेलो भी है, इनेलो कोई चली थोड़ी ना गई है कहीं बाहर, और वो भी लड़े करे, गठबंधन निष्पक्ष बनने वाला है तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी वोटों में कहीं ना कहीं तो, देखिए वोट तो पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, कुछ हैं ऐसे भी जो जिनको जो गठबंधन में नहीं है, या मैं यूँ कहूँगा कि उनको गठबंधन में लेना चाहिए था। यहाँ हरियाणा से तो किसान मजदूर को गठबंधन में नहीं लिया गया, और एक अभय चौटाला को नहीं लिया गया। अगर अभय चौटाला को भी एक सीट देते, एक किसान मजदूरों को जिन्होंने आंदोलन किया है उनको एक सीट पूरे भारत में चाहे कहीं से दे देते, हरियाणा में ना देते, ये गलती हुई है इंडिया गठबंधन से, ये मैं मानता हूँ, ये गलती हुई है, ये उनको जरूर 2 सीटें देनी चाहिए थी, तो बिल्कुल सूपड़ा साफ था इनका। अभी कुछ हो सकता है मामला, देखिए परमात्मा जाने, लेकिन इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। जी सरदार जी, क्या हालचाल हो रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं अब की बार? बस देख रहे, क्या ही दिख रहा है, तो सब ना दिख रहा है, सब तो सामने है। क्या दिख रहा है? विविध झाड़ू लग फिरता जाएगा, झाड़ू फिरेगा, बिल्कुल देखो, बिल्कुल फिरेगा, तो फूल नहीं चलेगा? ना ना, फूल फालर तो मर जाएगा जी, वहाँ तो भागने वाले तैयार है, ऐनक भी तो है, ऐनक उन करना कौन पूछेगा जी, वही कोई भी हाल तो सारे के सारे अंदर तो कोई है नहीं जी, रखे हैं सारे, झाड़ू बना दिया, बिल्कुल बनावा, झाड़ू नहीं बना, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए, हाँ आवागे, बिल्कुल आना पड़ेगा जी, ना खत्म हो गया, पड़ेगा जी, बिल्कुल आना पड़ेगा, मैदान में आ गए, हाँ आ गए जी, बिल्कुल,
तो बढ़िया बनेगा जी। हाँ बिल्कुल बनेगा जी, कोई शक नहीं। जी भाई जी, क्या नाम? राजू। राजू जी, कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? चुनाव क्लियर है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी बिल्कुल, ये तो कह रहे बीजेपी को हवा नहीं आने वाली। भाई साहब कुछ भी नहीं, बात तो ये है नवीन जो पहले यहाँ पे सांसद थे उससे ज्यादा बहुमत से जीतेगा नवीन जिंदल। अच्छा बिल्कुल, ये तो कह रहे कोला घोटाला लग हो रहा है, वॉशिंग मशीन डाल दिया टाइड। भाई साहब कोला घोटाला जो ये कह रहे हैं वैसे तो कोई उसके पास उसके ऊपर कोई प्रूव नहीं हुआ। जिसने टिकट दिया है खुद मोदी प्रधानमंत्री कह रहा है, वीडियो है, हमें थोड़ी कहा, खुद जिसने टिकट दिया वो कह रहा है कि कोला चोर। प्रूव नहीं हुआ जब कांग्रेस में उन्होंने किया था, फिर पहले कांग्रेस में किया था ना। अगर किसी ने कोई पहले पाप किया था, कोई जुर्म किया था, उसको बीजेपी में आते ही वो माफ हो जाता है, वो माफ हो जाता है। जो इलीगेशन लगा रहे हैं आप लोग कोयला घोटाले का, सरकार उसने कांग्रेस में कह रहे आप लोग किया था, उसने कांग्रेस में किया था, बाकी प्रूव तो कहीं नहीं हुआ ना उसने कोयला घोटाला किया होगा। कांग्रेस ने तो कहा ही नहीं कि वो कोयला चोर है, बीजेपी ने उसको कहा था, बीजेपी ने कहा था उसको, बीजेपी ने कहा था, कांग्रेस ने नहीं कहा उसको कि वो कोला चोर है। कांग्रेस ने नहीं कहा है, पहले से नवीन जिंदल पहले से बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। ठीक है, समीकरण क्या होगा? समीकरण क्या होगा? जीतेगा तो समीकरण से जीतेगा ना, क्योंकि अब की बार काफी नाराज नजर आ रहे हैं। भाई साहब कौन नाराज है बताओ? ओ बाबूजी कौन नाराज? अरे गांव में तो कोई बढ़ नहीं दे रहे ना जी, तक किस रोटी वही ऊपर ते होंगे। देख भाई मशीन में कर लो सेटिंग आज, मशीनों के तो हिसाब से कर लो, जैसे 6% वोटें बढ़ा दी जो पीछे दो चरणों में चुनाव हुआ था, 6% वोटें कैसे बढ़ गई 10 दिन बाद? उस तरह तो सेटिंग कर लो बीजेपी वाले, जीत जो कर लो, चाहे इनकी है, आज तो कह रहे 400 सीटें होंगी, चाहे लिए 800 और ऊन ये जीत दे। इनकी इनकी हर गाँव में वोटे हैं भाई साहब, मैं भी किसान हूँ, ठीक है, और इसी गाँव से हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी के साथ हूँ, ठीक है, सब लोकतंत्र है भाई साहब, कोई किसी के साथ है कोई किसी के साथ। कह रहे किसानों पर अत्याचार किया गया, इस तरह बैठा दिया गया, खुंटियां काट दी गई, किले काट दी गई। भाई साहब एक बात बताओ, अत्याचार किस चीज को हुआ? फसलों के रेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़े, चाहे उसमें गेहूं का चाहे जीरी का, ये 20-20 रुपए बढ़ाते थे, इन्होंने 100 रुपए बढ़ाए, और साल के 6,000 रुपए भी दे रही सरकार। कह रहे साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 6,000 उस बीख का क्या करा हम, हमारी जेब से ही काट रहे सब कुछ, GST खाद बीज पे दो, पेट्रोल पे यो डीजल मारा जो खेतों में फूक रहे हैं ट्रैक्टरों पे, इस पे कितना कहां तक जा लिया 100 रुपए भाई सब, 400 पार पेट्रोल डीजल तो ये सका सिट्टा नहीं बकांदी। खाद के कट्टे का वजन हमारे 50 किलो था, 45 कर दिया, खाद के कट्टे रेट कम कर वो कर दिया, वजन कम कर दिया। एक किले में खाद के कट्टे यूरिया के कितने गिरेंगे? 3 या 4 कट्टे गिर जाते हैं भाई साहब। अगर जो 50 रुपए भी उसका रेट बढ़ गया तो कौन सी पता गई? और गेहूं मान ले 20 क्विंटल निकल रही, 25 क्विंटल गेहूं निकल रही, 100 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए बढ़ गए, 100 रुपए के हिसाब से। बात इनकी है कि रेट कम क्यों नहीं, जब वजन कम हुआ तो रेट भी कम होना चाहिए ना भाई साहब। रेट ये तो सीधा सीधा के ऊपर किसानों के ऊपर भाई, खुद मान रहा बीजेपी वाला कि 2,500 बढ़ गए, 2,500 बढ़ गए, 2,000 मरते दे रहा, 500 रुपए ये दे, कितने दे रहा यू? 6,000 रुपये, 2,500 तो यही चले गए, फिर अगर खाद दवाइयों के लिया, पेट्रोल डीजल के लिया। भाई साहब देखो नहीं तो वापिस भी तो किसी ने नहीं किया, 6,000 रुपए मांगे नहीं तो वापिस भी किसी किसी ताऊ जी 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 ताऊ क्या करे भी 6,000 मांगन में गया 100 रुपए वापस क्यों दे रहा? 14 वोट के वास्ते दे रहा, 100 की बात दे गया और पेंशन बढ़ लिया कुर्सी के वास्ते बढ़ा नू कहीं दिन 14 घंटे बढ़ दे। हाँ 100 की बात जी भाई, हम तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे थे, वो क्यों नहीं दिए हमें? सिर्फ 6,000 रुपए दे दिए, इनकी तो पीड़िया भी जाते हैं किसान, पीड़िया 6,000 की दो साल में 6,000 जिम्मेदार नहीं मांगे तो 6,000 सिलेंडर पूछा दिया घर घर अपनी अरे कुछ नहीं था, बाजरा दे रहे बाजरा खाने के लिए बाजरा, वो सिर्फ कुर्सी के ऊपर बाजरा दे रहे हैं, बाजरा कह रहे शुगर शुगर खत्म हो जाएगा। इनका वोट बीजेपी ना देंगे नहीं उन्हें दे देंगे, झाड़ू वाले ना बनो या ना बनो झाड़ू वाले बस। झाड़ू वाले में क्या दिख रहा है सा? झाड़ू वाले में सब कुछ दिख रहा, सरकार बदल तो आया भी नहीं अभी तक यहाँ से। अरे वो तो आ लिया तिरंगे जिंदल लिया, तो बुरिया मैं बुरी हूँ तो सुशील गुप्ता है आवागा आवागा लाजमी आवागा, सरकार एक बार बदलनी भी चाहिए यार, बदलनी भी चाहिए, कोई सब रखे के दर्द तो नहीं काट लिया। अरे तो टेम के हैं ऐनक वाले, टाइम जो भी दे रहा 14 पेट के बाद बच्चे उस जगह जख के तो उसका नहीं, वो बच्चे उसके मणि में बुच्चा कौन 14 नहीं बता पा रहा दिखे जा, बस सब 6 रोटी तो खाता हो ज्यादा दिन खाता, फिर 21 दिन लूट रहा बन्ना 100 रुपये मेरे 14 सबर तक खा ले। ये कह रहे मोदी ने लूट कर रख दिया भाई। भाई साहब देखो विकास कार्य आपके सामने है, ठीक है, हर 25 किलोमीटर बाद एक हाईवे बनने लग रहा,
किसानों की जमीनों के रेट बढ़ रहे। हाईवे पे चलेगा कौन? वही हाईवे भाई साहब, ऐसे ऐसे हाईवे बन रहे उस पर आम आदमी एंट्री नहीं कर सकता। अभी हाईवे बन रहे हमारे, वो रदौर से निकलेगा अभी सीधा आगे से अमली जाएगा, जो पीछे से आ रहा है उस पर एंट्री नहीं है, इस भाई की भी एंट्री नहीं है। अरे भाई साहब ये हाईवे जो चल रहा है इसलिए बना रखे वो सिर्फ माल ढोने के लिए, अंडाणी अंबाणी के लिए बन रहा है। अभी यहाँ से कच्चा माल दूर ले जाना सारा ढो ढो के, उनके सैलो जो बना रखे बड़े बड़े बन रहे। यहाँ 3,000 एकड़ हमारे यहाँ यमुनानगर में ही 3,000 एकड़ एक्वायर कर रही है, वहाँ रेल का बड़ा बड़ा कॉरिडोर बना रही है रेल का, वहाँ बड़े बड़े सैलो बनेंगे। अनाज खाद्य सामग्री मोदी अंडाणी अंबाणी के हाथों में देना चाह रहा है भाई साहब, भूखे मरेंगे ऐसे से भी। अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं भाई साहब, एक बात बताओ, पहले नहीं कोई मतलब होते थे क्या कांग्रेस टाइम में? कोई तो यार चलाएगा, देखो इनको हर चीज की जरूरत पड़ती है देश को। ऐसा बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अब की बार मार पाएंगे हैट्रिक कहीं पे? अरे 100% भाई साहब, 100% जी भाई जी। जी सरदार, कैसे देख रहे हैं अब की बार? भाई हम तो झाड़ू ना देंगे वोट। झाड़ू ये कह रहे फूल खिल रहा है तुम झाड़ू बना रहे? नहीं हम तो झाड़ू नहीं देंगे वोट। वो तो इतने सारे फायदे गिनवा दिए बीजेपी के, देखो लगातार फायदे फायदे हैं। फायदे भाई वे क्या बन गए बड़े बड़े? आई हो क्या चलना ना, अब तो गो मरने बड़े है जी, पहले पेट भरना, पेट भरने के लिए बाजरा दे रहे हैं। बोलो आप बोलो क्या पूछ रहे हैं? बाजरा भी दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये नहीं कुछ भी है सोते ये देने, ये नहीं कोई बात है भाई, ये 5 किलो देने कोई सॉलिड बात नहीं कर रही। जैसे 10 साल हो गया ना बीजेपी का शासन, सॉलिड तो ये कह रहे हाईवे बना दिए। हाईवे तो तब मान ले पहले आप अपना पेट भरोगे, फिर साइकिल देखोगे साइकिल की क्षमता होगी या फिर ही तो चलोगे, पहले पेट भरना तो जरूरी है। किसान की कैसी हालत है? जो कोई बीजेपी ने बोल रहा है कहाँ बोल रहा है कोई किसान, जिसकी या तो दुकानदारी है या उसकी नौकरी अच्छी है और खेती भी है, वो कोई एक आध बीजेपी ने बोल देगा, वैसा नहीं कोई किसान बीजेपी पर जाएगा, जाने वाले नहीं। कोई कह रहे बीजेपी पर नहीं, वो मैं बोल दिया ना, उनकी नौकरी है। अच्छा। उनकी सैलरी है। अच्छा, बीजेपी से नहीं, उनकी अपनी नौकरी भी तो है ना, खेती के अलग, वो तो चाह मर्जी चले जो जो किसान खेती कर रहे हैं वो नहीं है मोदी के साथ, 1% मजदूर नहीं है। चलिए जी भाई जी, क्या देख रहे हैं अब की बार? भाई साहब मोदी अच्छा है, मोदी बढ़िया, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी बढ़िया। अब आप कह रहे हो कि महंगाई है, जिम्मेदारी ही बोलता है ना कि महंगाई होगी, तो पहले ठेका कम था, अब ठेका भी तो बढ़ रहा है जिम्मेदार का, तो उन्होंने क्यों नहीं बढ़ा, क्यों कम उतनी नहीं रखा भाई साहब? तो महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है सर। जो ये अभी कह रहे हैं कि नवीन जिंदल को इधर दे दिया और वो वॉशिंग मशीन दे दिया, एक मशीन धुला दिया, उसको क्या कहोगे? सर पर्सनली मैं मतलब पर्सनली मैं बोलता, पर मैं मोदी के साथ हूँ सर। देखो अच्छा। मोदी जो कर रहे हैं, नीचे कोई भी हो लेकिन मोदी को देखा, ऊपर मैं मोदी ऐसा क्या है, मोदी से ही सारे नाराज हो रहे हैं, नीचे से नाराज ही नहीं है सर। बस उनकी अपनी सोच है, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ किसी के बारे में, पर जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ मतलब कि सड़कें अच्छी हैं सर, ठीक है, अच्छा उन्होंने जो भी काम किया है सारे बढ़िया किए हैं सर, और अच्छा काम कर रहा है। सड़कें तो ये कह रहे हैं अडानी अंबानी के लिए बना दिए हैं सारे के सारे हाईवे बड़े बड़े। नहीं सर, इतनी बड़ी बड़ी सड़कों पे सिर्फ वही थोड़ा ना चलेगा सर, सारे आम पब्लिक ही चलेगी सर। जी भाई जी, क्या नाम? राम राम जी। राम राम जी, राम राम, और सुनाओ। देखो ऐसा अर्जन पीवा टर्जन और गलाब्बा पीवा बीड़ी, और इसकी बार कुरुक्षेत्र से कांग्रेस ना और बीजेपी ना ले जाएगी ठेका कीड़ी। हाँ मैं बंदे ही नहीं लोगे, ठीक है, 50 साल हुए थे राजमा थे कांग्रेस के, पर यो कांग्रेस एक बात बता, जो आदमी हमने देखा ही नहीं का सुनील गुप्ता, वो एक बात बता ना, तो तारे मरने पाया तू, ना मरे जूने पाया, ना ब्याह काज माया, ना तो ना मारा मारा बाजी में लड्डू भी नहीं देखा कैसा बनिया, कहाँ थे हरियो कोला चोर, इसकी सुनो थोड़ी सी कहानी है, इसके पैर पकड़े भी मोदी ना बुलाएगा। अच्छा, कहा राजा आ जा, सारे रोके काट देंगे तेरे, आ जा एक बार, कहा यो डरता गया बेचारा, जा नहीं था यो इन्ना राजनीति में बढ़ने का, क्या कर देगा कारोबार इतना तकड़ा, इन्ना जरूरत नहीं थी राजनीति में बढ़ने की। पर यह बात यू पूछो पहले इस कांग्रेस वालों ना अरे बीजेपी वालों ना, कि पहले तो कोला चोर बता दिया, अरे इस कांग्रेस वाले ने पूछो यो आया कदी थरे बीच में जो आ जाएगा, एल ना वास्ते आया था यो अपनी सेवा छोड़कर किसानों के उसमें मोर्चे में, और आज ये किसान उसका नहीं, उसका साथ नहीं दे रहे, तो अबे छोटाला बनेगा की बात तेरा था।
कनक चलेगी पक्का चलेगी, जो कहोगे होगा, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ बंदे ही नहीं लोगे हैं, कनक चलेगी पक्का चलेगी जी। आप 22 तारीख, आप 23 तारीख, 23 और 24 आप हमारे गांव में रही हो, आपको पता लग जाएगा इलेक्शन किधर गुंजेगी। 25 ना तो वोटा पान जाएंगे औरत जी, और पता नहीं औरतों ने किसकी वोट पानी। ये कह रहे पीलीसन, पीलीसन ही बताओ, कह रहा था पीलीसन भाया 100 रुपये बन दी थी उसने, आज ये 2700 रुपये है। हरियोसी का पोता तो है, पोते ना भूल गए, पोते ना भूल गए, क्यों भूल रहे पोते ना, रखो सुना याद, सारी चीज याद रखो। सबसे बड़ी बात है धरती है परमात्मा है, और उसके बाद जो किसानों का साथ दिया वो अबे चौटाला ना दिया, कोई और दे नहीं सकता। तो अबे चौटाला बनेंगे तेरे ठा फेरो ही मुच्छो हाथ मार का बना का नहीं, और बना दिया, बना दिया हमने तो। और नवीन जिंदल वो कहाँ ले लिया था मना, एक बात बताओ ना, बोरी ठाई वो किसान बन का दिखावा था, वो फट्टे से पहले गिर गया, वो बनागा है मोदी ने उसके पैर पकड़े, कह रे भाई खड़े हो जा, ये रे भाई खड़े हो जा, कहाँ पे खड़े हो जागा। फिर उस पर कहा कोले चोर का तेरे पास उठा देंगे, यो कर देंगे यार वो कर देंगे, उन्होंने सोचा तो सूत सियारी चौथे द्वार आ गा, तो भाई खड़े हो जा, ये तो खड़े हो जाओ। अरे सुशील गुप्ता की पूछो ने कांग्रेस वालों से, यो आया कहाँ थे, यो तो ऐसा हो जी कृपाजी मैं कबूतर डाला, कोई बाहर का कबूतर अड़ जा आसमान में आएगा। अरे कहा जी यो है क्या, इन बात भी नहीं था कांग्रेस वालों पर क्या, अगर मजबूती से लड़ रहे हैं अब की बात। पता क्या एक बात रही, इब झाड़ू न तो टंगों से लगा ना की से लगा, इन हाथ ना सोचा झाड़ू उठा ले तो। हाँ भाई मोदी ने तो करी दिया देश का दबाया, अरे एकदम रड़का मारते चलियो स्टार्टिंग से। क्या नाम? मेरा ये चिंटू भाई। कैसे देख रहे हैं भाई साहब युवा अब की बार? युवा तो ठीक है सर भाई, इसको बना रहे अब की बार अपना तो चौटाला लिया है जी। अबे चौटाला? हाँ जी। बढ़िया। हाँ जी। एना की लगेगा? हाँ जी। रेबन का लगा, कौन से का लगा? रेबन का ही लगा जी। या फास्टैग का लगाओगे? ना ना जी, अपना तो बस यही रेबन। चश्मा? हाँ जी। झाड़ू चलेगा? हाँ जी। झाड़ू चलना? हाँ जी। अबे चौटाला जिंदाबाद है अपना जी भाई जी। अबे चौटाला जिंदाबाद। अबे चौटाला जिंदाबाद जी। कोई देखेगा अबे चौटाला जिंदाबाद जी भाई जी। क्या कह रहे थे अब बताइए? वो तो मैं तो ये कह रहा था, जो लड़का कह रहा था ना, उसका डैडी पहले नवीन जिंदल के साथ ही था। अच्छा। इब कौन नाराज हो रहा? क्यों नाराज हो गया वो? इब कौन नाराज हो रहा? अन्य उसका डैडी पहले नवीन जिंदल के साथ था। चलिए उधर बुजुर्ग भी है, उनसे एक बार पता करते हैं, क्योंकि पेंशन है बुजुर्गों की जो मोदी ने इतनी योजनाएं दी है उनके बारे में बात करते जी। क्या नाम भाई जी? जी। अरे तुम भी बता दो नाम। क्या नाम है? जसपाल। ये बोलता हूँ पीने वाला ही तो बोल रहे हो। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम? मेरा नाम करमवीर है। क्या है अब की बार राय, किसको बनाएंगे अब की बार सांसद? झाड़ू वाले तो बनाओगे? झाड़ू वाले थे वो कह रहे होंगे ऐनक चलने वाली पूरी पड़ी हुए, ऐनक ना चला देंगे अब, झाड़ू ना चला देंगे। ठीक है, सब ने अपना अपना कहा है। नु तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो ऐनक चलाओगे तब झाड़ू चलाओगे, यहाँ फूल फिर खिल जाएगा? नहीं फूल नहीं खिलता, इनका फूल नहीं खिलता, फूल तो वो मर जाए क्या? फूल नहीं खिलता, कभी फूल ही खिल जा फिर। नहीं नहीं खिलता नहीं यार, नवीन जिंदल है नहीं पड़ी हो जिंदल है भाई। कोई सहारा नहीं लगता, कोई सहारा नहीं जी। क्या नाम जी? रघुवीर सिंह। कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? ऐसा है जी, त्रिकोण त्रिकोण हो रहा है। त्रिकोण? त्रिकोण तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, त्रिकोण में कोई तो लग रहा होगा जिसमें कुछ पावर सी हो। कुछ नहीं पता लग रहा जी, किसी ने पी रखा हो बूस्टर? त्रिकोण हो रहा जी, त्रिकोण है बस, इतने काफी है, बस बस इतने काफी है। अच्छा त्रिकोण में कहाँ देख रहे हैं नवीन जिंदल को? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहीं झाड़ू सबको ना मान ले जी भाई जी। क्या नाम? विक्रम सिंह जी। कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? बहुत बढ़िया जी, कांग्रेस का जी अपना तो गठबंधन। हाँ जी 100%। ये कह रहे तेरे कौन हो रहा है आप सीधा कह रहे? पसंद है जी, सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है ना जी, अभी वो भाई बोल रहे थे अबे चौटाला, अबे चौटाला तो पहले बीजेपी की गोद में बैठ गया था जाके, जो एक सीट थी बीजेपी को दी थी, तब कैसे दे दें उसको, कैसे कि यकीन कर लें? अब चुडुन्नी देखो कितने में भी क्या, चुडुन्नी पूछिए उसको कितने पैसे मिले चुडुन्नी ने, जो उसकी गोद में बैठे जाएगा, शर्म की बात तो नहीं रही जो उन्होंने पटवाया? वो तो बोल रहे मैं किसानों के साथ हूँ, कहाँ तक चले किसानों के साथ? अभी चौटाला कहाँ तक चले ये पूछो ना। कहीं दिख नहीं रहा नवीन जिंदल जो अभी कांग्रेस में थे। जीरो है जी, वो तो अपनी मजबूरी में आया ना जी,
अगर वो सुनो, अगर वो कांग्रेस से बीजेपी से ना आता ना, वो अंदर था बिल्कुल 100%। ईडी का छापा लगना था, वो तो सबको पता। आपको लग रहा है कि ईडी के छापे के चक्कर में होगा? 100% खुल्ला आम सामने बैठा था, वो मुंह पर बोल देंगे कोई चक्कर नहीं है। तो नायब सैनी भी तो कुरुक्षेत्र से थे सांसद, वो भी तो जोर लगाओगे, वो भी तो कहीं ना कहीं जितवाएंगे। नहीं लगता जी, कोई सारा नहीं लगता नायब सैनी, कुछ सारा नहीं लगता, कुछ ही नहीं होता जी, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं लगने वाला। अपना तो झाड़ू है जी, झाड़ू भी खुला खुला जमीन है जी। अंकल जी क्या हाल चाल हो रहे हैं? ठीक है जी। कैसे देख रहे हैं आपकी बार? बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन बनेगा? झाड़ू बनाएगा, झाड़ू ही बनेगा, अपना तो यही झाड़ू चलेगा, झाड़ू ही चलेगा, झाड़ू ही चलागा, झाड़ू ही चलागा, झाड़ू पक्का। तो चल नहीं रहा था, अभी चल नहीं रहा था, थोड़ी देर में चल गया, झाड़ू चला। वो कह रहे हैं अनक चलेगी? नहीं झाड़ू चला, झाड़ू चला, पूरा पकुल नहीं चलने का है, पूरा चला झाड़ू। किक्कर चलागा? चला, मेरा भाई है पट्ठा बड़ा, झाड़ू ही चलागा, हर पूरा मेरे बड़े भाई है, झाड़ू ही चलागा, पूरा झाड़ू। कह रहे पूरा अनक चलागी, बहुत बढ़िया है ना, वो तो वोट देना। एक बार सारी दारू बंद कर दी थी हरियाणा में, आपका फेर हो जाएगी बता, अपनी कर ले हूँ, अपनी कर लें 12 हरियाणा में एक तरफा बंद होगी थी, आपका फेर हो जाएगी, कोई ना कत्तो सिद्धि कर दे ना जो। तो देखिएगा इधर और भी जो बात की जाए तो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा है जी। अब बात जी भाई जी, क्या नाम? संदीप कुमार है मेरा नाम। संदीप कुमार जी कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? ये लोग वहाँ पहुँच ही रहे जहाँ पहुँचना चाहिए। पूछाओ, आप पूछाओ। देश को गुलाम करने अंग्रेज नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। हाँ। ये भी हर चीज में कंपनी को फायदा पहुँचा रहा है। ये कह रहे हैं कि रोड बना रहा है। हाँ। टोल टैक्स देख लो कहाँ पहुँच गए, किसकी जेब से बढ़ रहे हैं ये रोड? हमारी जेब से बढ़ रहे हैं टोल टैक्स। 100 किलोमीटर में एक टोल होता था 40 रुपये का, 30 रुपये का, अब 130 रुपये से कम एक भी नहीं है, और 100 रुपये में 4-4 टोल हैं। और जैसे कार ली कोई 50 लाख की कार ली किसी ने, 10 साल में क्या वो खत्म हो जाती है? कंपनी को फायदा बचा रहे हैं ना कि कार को खत्म करो, नई कार लेंगे फिर ये। कोई 10 साल में कार थोड़ी खत्म हो जाती है 50 लाख की। फैक्ट्री भी कर दिए तो हर चीज में कंपनी को फायदा बचा रहे हैं। तो गुलामी, हम तो गुलामी फील कर रहे हैं जी इस सरकार। बात करते हैं एक बार बीजेपी से ही, और भाई जी ये कह रहे हैं कि 10 साल में कोई गाड़ी खत्म हो जाती है क्या, जो एकदम से रजिस्टर नए कर दिया, नई गाड़ी खरीदनी है, नीरी महंगी महंगी गाड़ियाँ हो गई है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरे को खुशी है भाई की, छोटे भाई की बात सुन के। इसने पे भी गाड़ी ली मेरे ख्याल से 30 लाख की। एक किसान भी है, किसान 30-30 लाख रुपए की गाड़ियां ले रहे भाई सब, कहाँ से दिक्कत है बताओ? कहीं भी दिक्कत नहीं है। क्या आपने फाइनेंस करवा लिया हो? नहीं, अरे कुछ तो दिया होगा फाइनेंस, नहीं थोड़ी आगे जाके गाड़ी लिया भी सही भरना है उसमें तो। अरे कुछ ना कुछ भी हो तो होगा, तभी तो लिया ना। मोटरसाइकिल पर चला इन पर, कोई गाड़ी ना हो, कोई घोड़ा ना हो, ये बीजेपी वाले न्यू चाह भी सब कुछ मारे पास जा, लूट ले हम सारे देश ना। क्यों भाई, किसान का नहीं जी करता कार लेने ना? किसान नहीं बड़ी जी उस गाड़ी में बैठ सकता? ये बीजेपी वाले बैठेंगे क्या? ये बीजेपी वाले बैठेंगे बड़ी गाड़ियों में? हमारा नहीं जी करता, हम कमाने वाले, हम देश में सबसे ज्यादा संख्या हमारी 65% किसान है, सबसे ज्यादा मेहनती हम। जब देश पे अनाज नहीं था ना, अमेरिका से अनाज मंगवाना पड़ता था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और हमने इतना अनाज पैदा कर दिया। आज वो टेन उठ रहा 5-5 किलो बांट रहे, अरे 5-5 किलो का लारा दे दिया, 29 तक बांटेंगे कहा हम। इनको ऐसा कर रहे हैं लोगों को, ये जो बेचारा गरीब तबका भी काम ना कुछ भी कराए, बैठे बैठे खाए जहाँ। आज उन्होंने न्यू क्यों नहीं कहा भी ये तो लॉन्ग लाइफ ही चलेगा, हम ऐसा कानून बना रहे हैं भी लॉन्ग लाइफ ही इनको हम देंगे। क्यों कह रहे 28-29 तक देंगे? क्यों क्यों गुलाम बना रहे उनको? ये उनको काम दें, उनको मजदूरी दें, वो चीज़ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये काम क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ काम तो खत्म कर रहे, जवान बच्चे सारे यहाँ दिख रहे थे ना बच्चे, बहुत भाई रोजगार की बात कर रहे, रोजगार नहीं मिल पाया इसमें। भाई साहब रोजगार की कोई कमी नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि सरकार को जाएं लोग, बच्चे जाएं उसमें जॉब करें, कहाँ कमी है जॉब की? जाते नहीं बच्चे, अरे मेरे को खेत में काम की जरूरत है, कोई आता नहीं खेत में काम करने के लिए बताओ। सरकारी महकमे सारे खत्म कर दिए, सरकारी महकमे सारी चीज़ें बेच दी, बस स्टैंड बेच दिया, आज बस भी चल रही ना भाई सब, अरे वो लीले रंग की चल रही, वो भी प्राइवेट है, उस पर ड्राइवर प्राइवेट है, कंडक्टर उस पर सरकारी रख रखा, वो बसा भी रेलां बेच दी, जो वो एजाज बेच दिए, यानी सारे अरे BSNL तो बेच दिए थे ना, और जोन से इतना बड़ा सस्ता फोन था हमारा, ये और दूसरे पकड़ाई दिए हमारे हाथ में, रिलायंस ना पहले फ्री करके जियो की ये बाज भरे भी नहीं जाना उसका बिल इतना महंगा हो रहा। यही हाल होगा, सारा देश दोबारा गुलाम होगा अगर अब भी देश ना जाग गया ना भाई साहब। 29 में चुनाव नहीं होना, 29 में सिर्फ चुनाव क्या होगा कि फोन पे वोटिंग कर दो, फोन पे ऐसा होने वाला है अगर अब की बार ये मोदी आ गया, अगर लोगों ने ऐसे ऐसे ना भूल कर दी ना, ये आप तो मरी मरेंगे हम ना भी मरेंगे, ये लोग मारने की बात कर रहे हैं भाई। ये लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं लोगों को, ठीक है, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये लोग सिर्फ डराते हैं लोगों को। ये लोग कह रहे हैं ना कि मतलब BSNL भेज दिया, रेलवे भेज दी, ठीक है। आप एक बात बताओ भाई साहब, जो BSNL था जब उसमें कर्मचारी ऐसे थे, उसकी सर्विसेज इतनी बेकार थी, तो क्या करेगा मोदी, क्या करेगा? उसको प्राइवेट में जाके मतलब एक HDFC बैंक देखो आप, ICICI देखो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो यार, वहाँ पे भीड़ लगी है जो मतलब कोई काम करने को राजी नहीं है। तो कुछ अल्टरनेट निकालना पड़ेगा ना उसका काम लेने का लोगों का, लोगों को तो फैसिलिटी देनी पड़ेगी ना। अच्छा दूसरी बात, आप सरकारी हॉस्पिटल जाके देखो, किसी भी उसमें चले जाओ आप, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हरियाणा, सरकारी स्कूल भी दिखा दो। सरकारी स्कूल कहाँ गए, सारे खत्म कर दिए, बंद कर दिए, मास्टर नहीं है स्कूल में, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उन बिल्डिंगों का चट्टा, अरे इलाज तो है नहीं भाई, ये खुद डॉक्टर है भाई, इन्हें पूछ ले तेरे अस्पताल में सरकारी यमुनानगर वाले में क्या डॉक्टर है, पूछ ले डॉक्टर। हर डिपार्टमेंट में डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि जाके देखो, आप लोग तो जाते रहते हो वहाँ पे, ठीक है। बीजेपी का ज्यादा पार्ट बुरा रखा नहीं है, कहाँ कांग्रेस में कुछ नहीं करा पार्ट, देखो भाई साहब ये ऐसे बोल देते हैं अभी, ठीक है, अपने अपने विचारधारा क्या, ये कांग्रेस ने नहीं कराया जो मोदी बेच रहा, जो सारा कांग्रेस का दिए था, कांग्रेस का करे था, जो मोदी बेच रहा आज करे क्या ना भाई, 10 सालों में तो बताओ, यो कांग्रेस का करे सारा जो मोदी बेच रहा आज। जो ये किसान थे, जो किसान है, गरीब तबका है, जो भी है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए भाई सब उनके, पहले क्या मिल रहा था आयुष्मान कार्ड पर, तो चल ही नहीं रहा, घरों की रजिस्ट्री बनवाई थी, घरों की रजिस्ट्री बनवाई थी, बैंक में लेकर जो न्यू मारा मैनेजर मेल का बाहर क्या है यो, उस पर चौकीदार के और जमादार के सहन रहे नहीं रहे, बस उन्हें कुछ नहीं क्या जी, 2 किलो तेल मां और 2 किलो चीनी मर, 5 किले अट्टे मां मोदी साहब घर तो चले नहीं करते, सही बात तो आया। और रही बात कांग्रेस की, सिर्फ एक ही बात बताओ, एक ही बात पूछना जो मैं इस कांग्रेस वालों से, यो सुशील गुप्ता का पता की सुना, एक बात जो किसान इस जो इसके बारे में कह रहा, चलो नवीन जिंदल का मना पता था, घोटाले में इना फसाया था, अटके थे रात पैर जोड़ का मना लिया, पर जो से कांग्रेस की गुणवत्ता कर रहे, इनसे एक छोटी सी बात, दिल खोल का और छाती खोल का, अल्लाह मैं तो नहीं बैठा, मैं तो टी शर्ट पिया सुंदर भी लगवाया फिर यार, एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, यू पूछो सुशील गुप्ता तुमने देखा था क्या पहले, पराया का इसके गढ़ में एक पट्टा और कहा तो मारा तो मारा यू फिर रे पड़ दो मारा है कई बार। तो एक बात आओ, ये सड़कें बनी, अंडानी अंबानी का कह रहे कि फायदा होगा, जो 20 किलोमीटर बाद सड़क बन रही, हाईवे बन रहे, तो जो उसके आसपास की जो ये कह रहे हैं कि सड़क तो बनी है लेकिन उन पर जो टोल टैक्स है वो ज्यादा वसूल दे गए, इसका जवाब दे रहा हूँ ना सर, जो वसूल ज्यादा कर रहे हैं ना, तो सर जो जमींदारों की जो उसमें वो जमीनें आई हैं और उसके आसपास की जमीनों के जो रेट बढ़े हैं वो भी तो फिर किसानों की बढ़ी है ना सर, तो फायदा तो किसानों को हुआ है सर उसमें। चलिए ये कह रहे हैं कि जो हाईवे बने हैं, हाईवे में जो आसपास की जमीनें हैं उनके किसानों के रेट बढ़े हैं, भाई साहब हमारी जमीनों पर ये रोड बन रहे और उचित मुआवजा भी नहीं हमें दिया जाता, आज हम ये हमारा हाईवे निकला है, इस भाई की तो जमीन आई हुई है दोनों की, और पूछिए इनसे या बात ही भी पूछिए गिल्ली गेल पूछ का भी, जब 2013 में एक्वायर हुई थी और उसका रेट मिल दिया था हमारे कांग्रेस सरकार ने, और उसके बाद 2018 में आर्बिट्रेशन ने हमारे रेट बढ़ाए, क्या आज तक मिले जी भाई जी, मिले पूछिए भाई साहब, जमीन इसकी भी है। हुड्डा सरकार ने तो ना यहाँ की लोकल सड़कें नहीं बनाई थी, यहाँ से अम्बाड़ा तक की हाईवे तो बनाने की, हाईवे तो बनाने की बड़ी दूर की बात है भाई साहब, यहाँ से अम्बाड़े तक कर रोड नहीं बना था उड्डा से, तो ये कांग्रेस की बात की बात करी भाई, कमा रहा यो बीजेपी वाला कमा रहा, मैं कह रहा किसान के पैसे क्यों नहीं दिए, यो रोड की बात कर रहा मैं कह रहा पैसे क्यों नहीं दिए, उन पैसे जब किसान की जमीन चली गई, जमीन ले ली रोड बना लिया, पैसे कौन देगा, इस बीजेपी सरकार ने पैसे दिया धक्के धक्के खा के, हम उम्मीद ये कर रहे हैं इंडिया जीत जाए और हमारे पैसे भी मिल जाए किसानों के, ये कह रहे कि पैसे नहीं मिले किसानों के, कुछ इसके भी नहीं मिले, नहीं पैसे पहले पेमेंट हुई थी, माइक पे कह दे भी जोन से मेरे पैसे बढ़ रहे, मैं लेने का नहीं, कह दे माइक, नहीं यार जो हमारा बनेगा हम लेंगे, जो सरकार देगी, कोर्ट में मामला है यार, ये नहीं कहीं मानते कि दिए नहीं बीजेपी के, बीजेपी यार कोर्ट में है सारा कुछ, कोर्ट में है सारा कुछ, होगा तो दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, सब कोर्ट भी इनके हैं, सब चीज पे काबू करके, मैं बता तो दिया, ED PD सारे कोर्ट का डर दिखाएगा, अब यूं देखो कानून है 8 दिन में पेमेंट देनी होती है किसानों को, आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है, और 2018 से आज तक 6 साल हो गए, वो कानून कहां गए 8 दिन का जो लिखित में है कानून, अरे कानून नहीं तो खत्म कर रही है,
जो लोकतंत्र के जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाए थे देश के लिए, भी गरीब व्यक्ति कैसे चलेगा, ये वही चीज तो खत्म कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर अब ना गए नहीं, अगर ये ऐसे ऐसे भाई ये थोड़े ज्यादा जी लेंगे मरते, क्यों इन पा पैसे है रे, नौकरी है रही, दोनों भाई नौकरी लग रहे, बहुआ दोनों लग रही, इस पर यो मरते ज्यादा जी लेगा, हम पहले मरे पर मरागा यू भी। चलिए जंगल जी क्या करे, बीजेपी सरकार की जो भी पॉलिसी है वो सरमायादार के फेवर में है, अच्छा आम आदमी के फेवर में उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। अब एक सुनो आप, जैसे हरियाणा की बात है, दिल्ली में कितना रफड़ा पड़ा भाई, ये प्रदूषण हो रहा, पराली से प्रदूषण हो रहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 15 दिन बाद अब क्या हो रहा, हरियाणा सरकार ने कहा था भाई 1,000 रुपये पर एकड़ देंगे, जो किसान पराली नहीं फूकेगा खेत में उसकी पाही करेगा, तो पंजाब ने वो पेमेंट 15 दिन बाद कर दी, और हरियाणा सरकार ने पूछियो भी आज तक भी करी तो नहीं करेंगे, लोग आगे वास्ता फूकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी किसानों को कुछ दो ताकि ये उस पराली को वहीं नष्ट कर दें, पूछियो सरकार ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, लोगों ने अपने कागज तैयार करके भी दफ्तरों में जमा करा दिए। इस सरकार की कोई भी पॉलिसी किसान के फेवर में नहीं है, किसान के फेवर में नहीं है। जी भाई जी, क्या सर देखो मेरी बात सुनो, अगर किसान नहीं करना इतना ही मुश्किल काम है तो ये तो और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसानों को, रोड लेके आ रहे हैं, ठीक है, रोड प्रणाली वाला प्रदूषण का कितना बड़ा रफड़ा था। हाँ सर मेरी बात सुनना, लोग सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। आप नहीं मानते कि किसान जिस प्रकार से नाराज है, किसान की जो पुराली के लिए सिस्टम हुआ, उसके बाद में कई सारे, अब अगर उसका मिक्सर लाएगा तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए हो गया, तो वो कहीं कहीं किसानों के लिए हक में आ रही है क्या सरकार। 50 किलो का कट्टा था एक खाद का, 50 किलो का, उसने मोदी जी ने 45 किलो कर दिया और रेट उतना ही, अब 40 हो गया, अब 40 हो गया, रेट वही है। किसानों का जहां भी नुकसान हो रहा ना, नीचे से ऊपर से जहां से भी हो रहा, किसान का नुकसान ही कर रही बीजेपी। कहने का मतलब आपके है कि जो 40 का हुआ तो रेट घटना चाहिए था जी भाई, जब कोई चीज कम होगी तो रेट तो घटना चाहिए ना, तो वो रेट वही है। और बताऊंगा आपने एक और सुनो, जो ये बीमा योजना है ना, बीमा योजना बताऊंगा आपने क्या है, जिसका प्रचार सरकार बार बार कर रही, बीमा योजना जो है इसका मतलब ये थोड़ा एक मिनट बताऊं मैं आपने, चलिए इनके इतने इनके पर चलते जी, ये कह रहे कि जो कुछ चीज़ कम होनी चाहिए तो उसका रेट भी तो घटना चाहिए ना, ये तो सीधा सीधा किसानों के ऊपर लूट है। नहीं लूट कहाँ है भाई साहब, क्या कम होना चाहिए बताओ, 50 का कट्टा था, 45 है, 45 के बाद 40 का, रेट वही है। चलो भाई साहब महंगाई तो बढ़ रही है, और चीजों को भी तो महंगाई बढ़ी है, रेट किसानों की चीजों को घटाया जा रहा है। एक यूरिया का भी यार एक बात बताओ, उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा 5 किलो कम कर दिया, ठीक है हो गया कम, और चीजों के भी तो रेट बढ़े हैं। आप एक चीज बताओ, अगर आपको 2 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, 50 रुपए का पेट्रोल आधा दे दे, 100 वाला ना देकर 50 का दे दो, तो नुकसान है नहीं नुकसान है, नुकसान तो होगा ना भाई साहब, उसमें कौन सा चल नहीं रहे भाई, कल 100 रुपए चल हो रहा उसमें, चलेगा तो आधे घंटे में। अंधभक्त है नहीं मानने के, अंधभक्त तेरे जमीन बीजेपी पड़े नहीं मानने के, ये जो किसी भी आप कुछ भी कह लो, इन्हें तो वही बकरी का 3 टांगा थी, ये उसी तरह मानना गई जिस तरह मोदी मानना गई किस चुनाव में 24 में, ये बकरी का 3 कह नहीं, बकरी का 3 टांगा मोदी का तोड़ जमी विचार नहीं है जी, कोई मोदी का तो मुकाबला नहीं है किसी के साथ, मोदी के किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो आप मोदी का, ये बताओ विपक्ष में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, एक अनपढ़ का, एक जो बाहर विदेशों में पढ़ के आया इतना बढ़िया, उससे कंपैरिजन कर रहे हो, मोदी का कंपैरिजन है ही नहीं किसी से, आप सीधे सीधे राहुल गांधी की बात कर रहे हो। बिल्कुल राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, उससे बढ़िया नेता हमें मैं कहता हूँ मिला ही नहीं, ना देखा हमने, आप यूँ देखो देश के लिए जो पूरे भारत वाले जो कहते हैं उसमें बोलना ही नहीं आता जी, कह तो रहे हैं बोलने तो, इनसे बढ़िया बोलना झूठ बोलना कोई जाना, कोई 15 लाख आवांगे फलाने आवांगे ढमकाने, इनसे बढ़िया झूठ नहीं बोल सकता कोई, अब रोने भी लग गया वो टीवी बैठ के। बदलाव हुआ है पूरे देश में हुआ है, पहले भाई साहब खबरें आती थी कहा जी वहाँ बम ब्लास्ट हो गया इतने लोग मर गए, अब सुना पुलवामा भूल गया, पुलवामा में जो खुद करवाया था उन्होंने आरटीएक्स कितना 7 क्विंटल कहाँ से आ गया, पुलवामा भूल गया भाई, अरे पुलवामा भूल गया जो खुद इतने फौजी मारे थे, अरे मैं तो डर ये है चुनाव से पहले कुछ और भी करवाया सका, किसी बड़े नेता को मरवा सका, फौजियों ना मरवा सका, देश में कुछ भी करवाए सका, ये ऐसे तो इंदिरा गांधी भी मर गई थी, संजय गांधी भी मरा था, राहुल गांधी भी, राजीव गांधी भी मरा, अपनी मौत नहीं मरे हुए, आतंकवाद में मरे ना,
अब कहां है आतंकवाद? देखो अब आतंकवाद, एक चीज बताओ सुनो, अब आतंकवाद नहीं है, अब खुद आतंकी हमारी देश की सरकार चला रहे हैं, जो बड़े बड़े आतंकी जो पहले तो पाकिस्तान से वहां से आते थे, अब हमें लोड नहीं पड़ने की, अगर दोबारा 24 मई गया तो यहीं आए हैं सब, बम गोले गिरने वाले, पुलवामा कर था भाई साहब चुनाव से पहले, कर था मारे थे, इतने घर लुटे थे उन्होंने, कितने बहकाने वाली बातें भाई साहब, बहकाने वाली, राज्यपाल ने बोलिया वो राज्यपाल सतपाल, क्या नाम उनका, सतपाल मलिक, अरे बाबूजी खुद कह दिया उसने, क्यों नहीं जवाब दे रहे उसकी बात का, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं उस चीज की, बताओ तो मेरे को, जांच करवाओ खुद। ये कहते हैं कि ये कहते हैं कश्मीर के अंदर पहले तिरंगा तक नहीं लहर रहा था, अब लहर रहा, उसके लिए क्या कहोगे भाई? एक बात बताओ, कहा 300 ये कहा 370 हट गई, मन्नर तन्ना क्या फायदा होया, अंडाणी अंबाणी लेगा जमीन वहां, बढ़िया बढ़िया होटल खोल लगा जो कि घूमन जा कश्मीर, मैं तो एक फेरी गया था, तो गया भी नहीं करना, गया होगा दिखा यू, मेरी सुन ले बात, वहां जो जमीन का 370 हटा दी, किसका फायदा होया बता दो, आम जनता किसी से फायदा होया, सिर्फ बकाने वाली बात है, जुमले हैं और कुछ नहीं है मेरे भाई जी। भाई साहब जुमले बता रहे हैं वहां पर, जो तिरंगा लहरा भाई साहब, एक बात देखिए, राहुल गांधी, राहुल जी यहां से वहां तक पैदल चले गए, पहले जाना पॉसिबल था क्या? ये मोदी राज में ही संभव हुआ है, वैसे हो ही नहीं सकता। ये कह रहे मोदी राज में ही तो, जो राहुल निकल के नहीं निकले भी जाता भाई। ऐसा है, अगर गांव में एक पागल कुत्ता आ जाना या पागल सांड आ जा जिससे खतरा हो, सारे उन्हें इकट्ठा होना पड़ा, इब ओशा है, अब ना वो पागल कुत्ता कट्टागा और वो सांड मारागा, ना वो काटना पड़ागा देश मते, तो देश बचागा, ऐनी बचता नहीं। युवाई भी ऊं बेशक बोल रहे हो, लेकिन अंदर ते ही वाली हो भी दुखी होगा कहीं ना कहीं, यो भी किसान तो है, यो बेशक आज यो मतलब इसके नौकरियां भी आ रही हैं चार चार इसके घर पे, लेकिन दुखी यो भी है, इसका दर्द हम कर देंगे 25 तक ठीक। गरीब जो गरीब तबका भी है ना, जो बैठकों में नहीं आ सकता, बोल नहीं सकता, वो लोग डरते हैं बोलने से, वो भी मोदी के साथ हैं। वो तो ये कह रहे हैं 5 किलो राशन पर दे रहे हैं वोट। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अलग जरूरतें हैं, जैसे कोई इलाज की, रोजगार दिया उनको, इलाज की जरूरत है, उनको फ्री में इलाज हो रहा है उनका, ठीक है, राशन भी मिल रहा है, जो ये कह रहे हो राशन वो चलता ही नहीं आयुष्मान, 5% उनको नंबर भी मिल रहे, जिनके कोई नौकरी में नहीं लगा हुआ था सरकारी नौकरी में, उनको 5% नंबर भी मिल रहे। कह रहे हैं मनरेगा चल रही है, पहले चल रही थी भाई साहब, पहले कहां, पहले भी सरपंचों ने पैसे खाए ना, मजदूरों को देखो उनके खाते में जाते थे पैसे, सिस्टम क्लियर कर दिया, अब सिस्टम क्लियर कर दिया, खाने खवाने वाला सिस्टम सारा खत्म कर दिया, सिर्फ सरकार बीजेपी खावागे, डाणे माणी खावागे, सिस्टम खत्म कर दिया, कह रहा है सर सिस्टम खत्म कर दिया। आने वाले टाइम में ही हो जाएगा, बिल्कुल तानाशाही हो जाएगा, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, बीजेपी आ गई तो, मतलब बीजेपी आ गई तो, बहुत पे आ गई तानाशाही, बहुत मतलब तानाशाही अगर ये मान रहे ना तो तानाशाही बहुत अच्छी है कांग्रेस से, अगर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस नहीं आ गई बीजेपी आ गई तो तानाशाही आएगी, अगर ये मान रहे हैं कि तानाशाही आएगी ना तो तानाशाही बढ़िया है बीजेपी कांग्रेस से, तानाशाही बढ़िया है अगर देश के लिए अच्छा है सर। हां जी अंकल जी, ये तो है ना जी बीपीएल कार्ड है गोमा, ये कह रही भाई गरीब का बहुत ध्यान करी बीजेपी, एक पिछले 5 साल जो गए एक कभी मकान नहीं बनया भाई, एक मकान भी बीपीएल कार्ड वाले का किसी का बन गया वो गरीब आदमी का, तो कहाँ से कर रही भाई गरीब का फायदा, ये पूछ लो सारे गाँव में एक मकान बता दो जो बने। तो चलिएगा, ये थी कुरुक्षेत्र लोकसभा से जनता की राय, क्योंकि चौपाल के द्वारा हमने आपको ये दिखाई है, हालांकि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो लेकिन हमने आपको जनता की राय दिखाई है। अगर आप हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।